पंचल और स्वागत करती हूँ आपके अपनी स्वाद की रसोई में। दोस्तों, स्वाद का सफर और जायके की तलाश आज मुझे एक बार फिर ले आई है अपनी कुकिंग एक्सपर्ट के घर। तो आइए जानते हैं कि आज कौन होगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट, कौन सा वो मजेदार व्यंजन होगा जिसे बनाकर आप लोगों की वाहवाही लूट सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि आज क्या कुछ वो हमें नया बनाकर सिखाने वाली है कुछ नए अंदाज में। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मीरा जी की रसोई में। आइए जानते हैं कि आज की हमारी कुकिंग एक्सपर्ट मीरा जी हमें क्या कुछ बनाना सिखाने वाली है। तो मीरा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपकी अपनी स्वाद की रसोई में। धन्यवाद। तो आज आप हमें क्या बनाकर सिखाने वाली है? आज सबसे पहले तो कमल ककड़ी का कबाब है जी, और दूसरा पोहे का मजेदार जी। तो नाम ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कमल ककड़ी का कबाब और पोहे का मजेदार। पोहे तो हम नॉर्मली खाते ही हैं, लेकिन मीरा जी, पोहे का मजेदार क्या है? पोहा ऊपर का कवर रहेगा जी, और अंदर कोई भी सब्जी बना करके भर सकते हैं जी। खासकर मैं बनाई हूँ आलू और भाजी की सब्जी। अच्छा। मेथी भाजी में कुछ भी भर तो सकते। ये जो डिलीशियस सी दो रेसिपी है ये मीरा जी से बनाना तो सीखेंगे ही, लेकिन आइए एक बार जान लेते हैं कि मीरा जी को कुकिंग के अलावा और किस में इंटरेस्ट है। मीरा जी, आप कुकिंग तो करती हैं, कब से आप कुकिंग करती आ रही हैं? लगभग 40 साल पहले से। तो मीरा जी जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट है वो करीब 40 साल से कुकिंग करती आ रही है। मीरा जी, कुकिंग के अलावा आपको किसी और में इंटरेस्ट है? एक तो संगीत सुनना है, क्लासिकल संगीत, हैंडीक्राफ्ट है जी। मैं सितार भी बजाती थी। अच्छा, तो सितार भी आप बजाती? हाँ, थी जी, बजाती थी जी। बजाती नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो चलिए, काफ़ी कुकिंग एक्सपर्ट जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, जिन्हें हैंडीक्राफ्ट में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, सितार भी बजाती थी और आज कुकिंग एक्सपर्ट बन के हमारे शो में भी आई हैं। तो चलिए, इनसे ज़्यादा बातचीत तो हम करते ही रहेंगे, बातों का सिलसिला है वो जारी ही रहेगा। और अब हम इनसे जान लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और किस तरह से जो है कमल ककड़ी के कबाब बनाने वो सिखाती हैं। तो एक बार हमें बारीकी से इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए क्या क्या रहने वाले हैं इसमें। भैंस है जी, ये जी, इसको छील कर धो करके बारीक काट लेंगे जी। उसके साथ में चना की दाल, अगर ये एक पाव है तो 100 ग्राम करीब चना की दाल बिल्कुल। साथ में मिर्ची जी, धनिया, अगर खड़ी धनिया तो खड़ी धनिया जी, नहीं तो पिसा भी चल जाएगा। ये बाकी खड़े मसाले, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया जी, हल्दी जी, नमक और घी, घी भी करीब एक बड़े चम्मच टेबल स्पून जी, डाल करके और पानी ऐसे डालना है कि सूखा रहे उबालने के जी। कुकर में उबाले चाहे उसमें उबाले, गंजी में उबालते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है जी, कुकर में उबालेंगे तो पानी थोड़ा कम डालना है जी। तो मतलब सूखा रहे ककड़ी के साथ में हमें सारी चीज़ों को उबाल लेना है और उबालने के बाद उसे पीस लेना है। तो जो पिसा हुआ जो हमें मिश्रण मिलेगा वो इस तरह से सूखा सा रहे। तो जो हमारे हमने आपको सामग्री बताई है उसमें कमल ककड़ी में हम जो सारी सामग्री है उसको उबाल लेंगे और उसके बाद उसे पीस लेंगे। बस उबालने में ये ध्यान रखना कि सूखा सा रहे जी, थोड़ा सा गीला ना रहे, तो गीला ना रहे ताकि जो हम कबाब बनाएंगे वो इजी बन जाए। तो सामग्री हमें पता चल गई है, तो चलिए अब इसके बाद ये है अंदर फिलिंग का जी। अच्छा, फिलिंग भी है इसमें? फिलिंग भी जी, प्याज, अदरक, लहसुन खाते हैं तो लहसुन, हरी मिर्ची, हरी धनिया जी, नमक, चाट मसाला, थोड़ा गरम मसाला मिला करके रख लें जी। इसका कवर रहेगा और ये अंदर फिलिंग रहेगी। अच्छा, और तो सेलो फ्राई बिल्कुल। तो सेलो फ्राई जो है हम करेंगे, इसमें हमें पता चल गया है कि क्या इंग्रेडिएंट्स लगने हैं और किस तरह से बनेगा, लेकिन हम आपको बनाकर भी दिखाते हैं। तो चलिए मीरा जी, शुरुआत करते हैं। अगर ये ढीला रहे तो इसमें थोड़ा बेसन मिला सकते हैं जी, और इसको इस तरह से टिकिया बना लेंगे, जितनी बड़ी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, लंबा आकार बनाना हो लंबा आकार बना सकते हैं जी। और ये मिश्रण है, इसको थोड़ा सा इसमें भर देंगे जी। अच्छा, तकरीबन इसमें कितना समय लग जाएगा मेरा जी इसको बनाने में? बस इसको सेकना है, इतना तैयार रहे मसाला तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो आजकल बच्चे जो है वो नखरे करते हैं खाना खाने में। हाँ, इसको खाने के बाद टिफिन के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, उसके लिए किटी पार्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छी है जी। इस तरह से बंद कर देंगे इसको सब जी, तरफ से जी, और इसमें थोड़ा तेल डालेंगे इसे धीमी आंच पर सेकना है मीरा जी। देखते जाए फिर तेज फिर मीडियम। अच्छा, बहुत तेज आंच तो नहीं रहना चाहिए। ये इसकी लोई बना, फिर से एक बार देख लीजिए, इसके हम अंदर फीलिंग रखें जी, जितना रख सकते हैं जी, जो उसमें फटे ना, अच्छे से बन जाए जी, और इसको अच्छे से पैक कर दीजिए जी।
ये बच्चों के टिफिन के लिए एक परफेक्ट डिश हो सकती है ना, क्योंकि बच्चे से आसानी से वेजिटेरियन कबाब इसे बोल सकते हैं। तो बच्चे जो खाने में नखरे करते हैं जो है, तो ये वैसे भी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि हम दूसरी बार मांग मांग कर खाएंगे वही बनाओ। बिल्कुल, तो इसे ना हम ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं लगे हैं, वही सारी चीजें हमने इसमें यूज की जो ऑलरेडी हमारे किचन में रहती है। इसको संभाल कर पलटना, काफी नरम होता है। अगर ये टूट रहा है ऐसा लगता हो तो इसको दो में से दो झारा से ऐसे उठा के पलट लीजिए, ना बने तो। आज तो अपने अनुसार आगे पीछे करते रहते हैं, पका हुआ भी रहता है इसलिए ज्यादा इसको पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती जी, क्योंकि ऑलरेडी हम उसे उबाला हुआ रहता है पूरा। तो अंशुल, ये रहा कमल ककड़ी का कबाब जी। इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, टेस्ट करके बताइए बच्चों को लायक है कि नहीं। बिल्कुल, तो हमारा कमल ककड़ी का जो कबाब है वो बनकर तैयार हो गया है। और मीरा जी, एक बात और मैं बता दूँ कि कमल ककड़ी का कबाब मैं पहली बार खा रही हूँ, तो उसका टेस्ट कैसा होगा ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटेड करने वाली ये डिश है कि किस तरह का इसका टेस्ट होगा। तो मैं आपको उसको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। वैसे मुझे मीरा जी ने दो चटनी दी हुई है, एक मीठी है और ये किस चीज़ की, ये खजूर इमली की चटनी। खजूर इमली की चटनी के साथ भी खाया जा सकता है, और जैसा कि मीरा जी ने पहले बता ही दिया है कि इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, तो मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। मीरा जी लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको कमल ककड़ी से बनाया हुआ है। नहीं लग रहा ना, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कमल ककड़ी है। और दूसरी चीज़ जो आपने इसमें फिलिंग डाली है, प्याज की, मिर्ची की, लहसुन की, उसमें चाट मसाला जो स्प्रिंकल किया हुआ है, बहुत ही टेस्टी स्वाद है इसका और काफ़ी अच्छा इसका स्वाद बता रहे हैं। और धनिया से इसको गार्निश किया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बच्चों के टिफिन के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें मिर्ची का भी हमने बहुत कम यूज़ किया है, तो बच्चे जो है अपने स्वाद के अनुसार इसे खा भी सकते। मीरा जी, दूसरी रेसिपी आपकी क्या होगी? पोहा का मज़ेदार। पोहे का मज़ेदार हम मीरा जी से बनाना सीखेंगे, जैसा कि उसका नाम है मज़ेदार, तो क्या वो डिश वाकई मज़ेदार होगी? आइए सीखते हैं। तो मीरा जी, एक बार बारीकी से सामग्री बता दीजिए। ये पोहा है, पोहा को पानी से धो करके थोड़ा भिगा दीजिए जी, 10-15 मिनट भीग गया, फिर थोड़ा पानी छिड़के और उसको थोड़ा मैश कर लो जी। उसके बाद लहसुन, प्याज, अदरक, हरी धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी जी, ये पीस लीजिए, पीस के इसमें डाल दीजिए, साथ में मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार, नमक, थोड़ी सी चीनी और उसके बाद फिर बेसन जी। और बेसन ऐसा डाल के ऐसा होना चाहिए डो, और अगर लगे कि बिखर रहा है तो थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं जी। और फिलिंग के लिए हमने क्या, ये फिलिंग है अपने पसंद के आलू और किसी भाजी के साथ सब्जी बनाओ। मैंने बनाया है आलू और मेथी भाजी, गोभी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, कुछ भी अगर जो सब्जी अपने पसंद की सब्जी हो उसकी, वो सूखी सब्जी बनाओ, सूखी सब्जी, थोड़ा मैश रहे ताकि अंदर भरने से और पैक करने से दिक्कत ना हो, फिलिंग जैसे। तो चलिए, हमें सामग्री यहाँ पर पता चल गई है, तो फटाफट से बनाना से शुरू करते हैं। तो हमारा पोहा मज़ेदार, उसकी सामग्री हमने आपको बता दी है, तो वो कैसे बनेगा मीरा जी हमें वो बता दिए। मीरा जी, कैसे बनाएंगे हम इसे? अब इसको हाथ में पानी लगाकर डो बना लीजिए, ले लीजिए लोई, ले लीजिए जी, और लोई के अंदर फिलिंग भर दीजिए जी। अच्छा मीरा जी, ये जो हम इसमें फिलिंग भर रहे हैं और जब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे तो क्या ये फटेगा नहीं? नहीं, अगर फटता है तो उसमें फिर बेसन डाल दीजिए, बेसन डाल सकते, थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देख लीजिए जी। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, पोहे में हमने जो आउटिंग है जो हम तैयार करी है,
उसमें हमने काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं, उसमें हमने लहसुन प्याज भी डाला है और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी काफ़ी अच्छी है, हमने उसको आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो काफ़ी मज़ेदार ही बनने वाला है। जैसा कि इसका नाम ही है पोहा मज़ेदार, तो देखते हैं कि ये कैसा बनता है, क्योंकि मैं तो इसे पहली बार खाने वाली हूँ। अच्छा मीरा जी, आपने इसका नाम पोहा मज़ेदार क्यों रखा हुआ है? खाने में मज़ा आता है। बिल्कुल, तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि पोहा मज़ेदार जैसा कि इसका नाम ही है, और खाने में इसे वाकई मज़ा आने वाली है, क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं और जिस तरह से बन रहा है वो भी हम देख रहे हैं, तो खाने के बाद तो वाकई मज़ा आना ही है। तो जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट है उन्होंने भी हमें बता दिया है कि पोहा मज़ेदार का इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि खाने के बाद इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हम पोहा तो खाते ही रहते हैं, क्यों मीरा जी, लेकिन अगर उसी से इंग्रेडिएंट्स से हम कुछ अच्छा बनाते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम का भी यही मोटिव होता है कि कम इंग्रेडिएंट्स में, अच्छे इंग्रेडिएंट्स में, जो किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करें, कुछ फ्यूजन ट्राई करें। तो उसी कड़ी में आज जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट है वो हमें पोहा मज़ेदार बनाना सिखा रही है। तेल अच्छा गर्म हो जाना चाहिए इसको, और फ्लेम हाई रहना चाहिए जी जी, और उसके बाद फिर इसको एक डालकर देखिए फूट रहा क्या, और नहीं फूट रहा है तो फिर दूसरा भी डालिए जी, और अगर फूट रहा हो तो इसमें थोड़ा सा बेसन लगा सकते हैं या कॉर्न फ्लोर का लेप कर सकते हैं ऊपर से रोल कर दें, क्रिस्पी भी हो जाएगा। और इसको काफी सावधानी से हमें डालना है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है और एकदम से चलाना नहीं, थोड़ा देर हो जाए उसके बाद चलाना जी, नहीं तो वो फट सकता है। इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना चाहिए मज़ेदार को, क्योंकि इसको फिर चलाने में दिक्कत होगी, पलटने में चलाने में। ये देखिए ये हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया जी, अब ये पक गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अंशुल, ये रहा पोहे का मज़ेदार, अब इसका टेस्ट करके देखो कैसा है। बिल्कुल, तो पोहे की बनी डिश हमने खाई होगी, कई डिशेज होती हैं पोहे से बनी हुई जो हम खाते ही रहते हैं, नॉर्मली पोहा भी हम लोग खाते हैं नाश्ते में, अगर हम सोचें कि आज क्या बना है तो पोहा सबसे पहले जहन में आता है, लेकिन पोहे का जो मज़ेदार है वो बनने में काफ़ी डिलीशियस था। मैं जैसा कि देख रही थी और काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी कि पोहे का जो मज़ेदार है वो बनकर तैयार होगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि मैं इसे पहली बार खा रही हूँ, इवन मैंने सुना पहली बार था कि पोहा मज़ेदार होता कैसा है, तो मैं बिना देर करे आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। इसको मैं थोड़ा सा सॉस ले रही हूँ और चटनी भी ले रही हूँ, इसकी क्रिस्पीनेस आप इसकी आवाज़ सुन के समझ गए होंगे कि कितना क्रिस्पी बना है, और इसमें जो हमने सब्जी भरी थी आलू मिर्ची की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। यकीन मानिए कि अगर आप अपने बच्चों को टिफिन में ही बना कर देंगे ना, तो बच्चों का टिफिन जो माँ अक्सर शिकायत करती हैं कि मेरे बच्चे हमेशा टिफिन वापस ले जाते हैं, तो ये शिकायत उनकी बिल्कुल दूर हो जानी है। तो बनाइए आप अपने बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी ये फेवरेट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और IBC की टीम की ओर से और स्वाद की रसोई की टीम की ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आपने बहुत ही अच्छी हमें डिश बनाकर सिखाई है, दो डिलीशियस डिश हमें बनाकर सिखाई है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी कुकिंग एक्सपर्ट मीरा जी हमारे साथ, जिन्होंने हमें आज दो नई तरह की रेसिपी बनानी सिखाई है, पहली कमल ककड़ी के कबाब और दूसरा पोहा मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों ही डिशेस बेहद पसंद आई होगी और इसे आप अपने किचन में जरूर ट्राई करना चाहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट डिश हम लोगों तक पहुंचाएं, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फटाफट से हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं अपनी टीम को लेकर आपके घर आऊंगी और आपकी फेवरेट डिश को लोगों तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल देखिए फ्री केयर, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर। कमल ककड़ी का कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए कमल ककड़ी, भीगी चना दाल, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, खड़ा गरम मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, हल्दी, नमक, घी। फिलिंग के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च लें, चाट मसाला, गरम मसाला, हरी धनिया डालें, नमक डालकर मिलाएं।
आउटलेयर के लिए सारी सामग्री को उबालकर पीस लें। तैयार मिश्रण की टिक्कियां बनाकर फिलिंग अंदर से भर दें। पैन में सुनहरा होने तक तलें। प्लेट में निकालकर चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। पोहे का वड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए भीगा हुआ पोहा, लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, मिर्च पाउडर, नमक, चीनी, बेसन, मेथी की सब्जी। पोहे का बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन, अदरक, हरी मिर्च लें। उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालकर पीस लें। मिर्च पाउडर, नमक, चीनी, बेसन मिलाएं। भीगा हुआ पोहा डालकर मैश करें। तैयार पोहे के मिश्रण को लेकर मेथी की सब्जी भरें। तेल में सुनहरा होने तक डीप फ्राई करें। प्लेट में निकालकर चटनी के साथ सर्व करें।